हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेराटोजेनिक ड्रग के बारे में कि टेराटोजेनिक ड्रग क्या होती हैं। दोस्तों ये वो ड्रग होती हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में वुमन को कभी भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दोस्तों टेराटोजेनिक ड्रग देंगे तो क्या होगा। दोस्तों जो लेडी होती है, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, उसके पेट के अंदर जो बच्चा होता है, अगर हम इन दवाइयों को दे देंगे तो वो बच्चा जीता है प्लेसेंटा के सहारे। जब ये दवाइयाँ दे देंगे तो प्लेसेंटा को ये दवाइयाँ क्रॉस कर जाएंगी और बच्चे तक पहुँच जाएंगी। जबकि हमें दवाइयाँ जो देनी होती हैं वो उसकी माँ को देनी होती है, ना कि बच्चे को। अगर ये दवाइयाँ प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर बच्चे तक पहुँच जाती हैं तो बच्चा इतना ताकतवर नहीं होता है कि जी उन दवाइयों को वो जो है सहन कर पाए। तो ये होती हैं टेराटोजेनिक ड्रग जिन्हें प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, बिना स्किप किए बिना देखो तभी ये समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स मैं हूँ फार्मासिस्ट आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों टेराटोजेनिक ड्रग की कुछ दवाइयाँ मैंने जो सिलेक्ट की हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं बच्चे के लिए, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर आती है वारफरिन ड्रग। दोस्तों अगर वारफरिन ड्रग आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को दे देते हैं तो बच्चे पे जो है वारफरिन सिंड्रोम आ जाएंगे। वारफरिन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, बच्चे के जो आँख कान नाक ये कम बनेंगे, उनकी जो ग्रोथ है कम होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की लिथियम की। जिन दवाइयों में लिथियम होता है दोस्तों उन दवाइयों को कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर लिथियम जिस ड्रग में है वो आपने जो प्रेग्नेंट लेडी को दे दी तो उससे क्या होगा दोस्तों, गोइटर हो जाएगा। गोइटर मतलब घेंगा रोग होता है, घेंग नाम आपने सुना होगा, वे रोग बच्चे में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन की। फ्रेंड्स प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका यूज कभी भी ना करने दें, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वे क्या करती हैं, जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसकी क्रैनियल नर्व जो होती है उसे डैमेज करने का काम करती है। अगर बच्चे तक ये स्ट्रेप्टोमाइसिन पहुंच गई तो उसका क्रैनियल यानी कि दिमाग जो जब डैमेज हो जाएगा तो इससे बच्चा मर भी सकता है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं एल्कोहल की। कुछ लेडी होती हैं दोस्तों जो बहुत सारी शौकीन होती हैं शराब पीने की, शराब में होती है अल्कोहल। अगर अल्कोहल का प्रेग्नेंट लेडी कोई भी यूज़ करती हैं तो अल्कोहलिक सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। अल्कोहलिक सिंड्रोम में होता क्या है दोस्तों, जो बच्चे की ग्रोथ होती है उसकी हाइट वेट जो भी होता है उसकी वो पूरी नहीं हो पाती, उसकी बच्चे की जो एक ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसका खास ख्याल रखें, कोई भी लेडी को अल्कोहल का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं ACE इनहिबिटर ड्रग की। ऐसी इनहिबिटर ड्रग एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, मतलब कि जो ड्रग हाइपरटेंशन में दी जाती हैं यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे एमलोडोपिन, एटेनोलोल, एमलोडोपिन, लैसिलिप्रिल, रेमिप्रिल, इस तरह की जो भी दवाइयाँ हैं वो कभी भी बच्चे प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों खास ध्यान रखें। दोस्तों अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो ड्रग होती है दोस्तों इसका कभी यूज नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडी है अगर इसका यूज कर लेगी तो बच्चा की जो ग्रोथ होती है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे का, ऐसे देख ली, ऐसा मान लीजिए कछुआ होता है, आपने देखा होगा कछुए जैसा उसका स्ट्रक्चर आएगी, उसका आकार जो है कछुए जैसा हो जाएगा, यानी उसके पैर हाथ पैर छोटे छोटे रह जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इस ड्रग का भी कभी यूज नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं बेलपोरिक एसिड। दोस्तों बेलपोरिक एसिड का भी कभी यूज नहीं करना चाहिए। इससे दोस्तों होता क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडीज का अगर यूज करेगी तो जो पेट के अंदर बच्चा है उसका न्यूरल ट्यूब होती है उसको डिफेक्ट करेगी, इससे उसकी जान को खतरा है। बात करते हैं टेट्रासाइलिन के। टेट्रासाइलिन ग्रुप की जितनी एंटीबायोटिक्स होती हैं तरह तरह की होती हैं, जिसमें से एक फेमस है डॉक्सीसाइलिन, तो इस तरह की जो है नहीं यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका जो बच्चा होता है अंदर, उनके जो नाखून होते हैं, दांत होते हैं, हड्डी, उनमें डिफेक्ट आने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं एपिलेप्टिक ड्रग की। तो दोस्तों एपिलेप्टिक ड्रग वे होती हैं जो मिर्गी में दी जाती हैं, फेनोटोनिन, बेलप्रेट होती हैं। इन दवाइयों से भी बच्चे की जान को खतरा रहते हैं। साथ ही एमोजापाइन, विटामिन ए, रेटिनोल का भी यूज
नहीं करना चाहिए। सभी विटामिन्स का यूज करें, लेकिन कभी भी विटामिन ए रेटिनोल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत हार्मफुल होती हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं पेन किलर की, कि कौन सी पेन किलर सेफ है। तो दोस्तों कभी भी अपने मन से कोई भी पेन किलर प्रेग्नेंट लेडी को ना दे, अगर देनी है तो पैरासीटामोल जो आती है, पैरासीटामोल आप दे सकते हो। पैरासीटामोल इज ए सेफेस्ट ड्रग। तो दोस्तों पेन किलर अगर आपको देना है तो पैरासीटामोल आप दे सकते हैं, ये सेफ है। फ्रेंड अब हम बात करते हैं एंटाहिस्टामिक ड्रग की। तो एंटाहिस्टामिक ड्रग में कुछ दवाइयां जो दे सकते हैं जैसे लिवोसिट्राजिन वगैरह, लेकिन वो प्रेग्नेंट जो लेडी है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, सेकंड ट्राइमेस्टर में है, थर्ड में, वो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। अब ट्राइमेस्टर होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो ट्राइमेस्टर कहते हैं 3 महीने को, जो शुरू के स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड महीना, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और 5, 6, 7 उसे बोलते हैं, सॉरी 4, 5, 6 इसे बोलते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर, और उसके बाद जो 3 रह गए हैं उसे थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी इसकी पूरी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर हाँ कुछ इसमें से रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कुछ रह गया तो माफी चाहता हूँ दोस्तों। अगर मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए।